लेकिन दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा पर भी ही नहीं बल्कि हर उस शख्स पर जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जनाब उस्ताद उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यार मोहम्मद कादरी साहेब, तकबीर टीवी नूर टीवी पे आप इनको देखते रहते हैं और खतीब आज़म हैं जामे मस्जिद गंगोल शरीफ बर्मिंघम के। यहाँ पे अहले सुन्नत के सरों का ताज बात कर रहे थे गुलामी रसूल की, तो मुझे ये शेर याद आ गया, कुछ नहीं मांगता शाहों से शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, जिसको सहारे मुस्तफा मिल गया उसको कायनात मिल गई, जिसको सहारे मुस्तफा मिल गया कायनात के खजाने सुभान अल्लाह। गिरामी कल ये उससे पाक की अजीम शान नूरानी रूहानी और वजद आफरीन ये महफिल पाक, कल की महफिल में भी मैंने ये बयान किया था कि मुनाजरे इस्लाम पीर तरीकत राबर शरीयत हजरत मौलाना पीर अब्दुल वहाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाल्लाह उन्होंने इल्म को फैलाने के जिस मिशन का आगाज यहाँ यूके में किया था और हिजाज कॉलेज यहाँ बना, अहले सुन्नत के पास इससे बड़ी जमीन पे इदारा शायद नहीं। जिस मिशन का आगाज उन्होंने किया था बिहम्दिल्लाह ताला उनके बेटे आज उसको जारी और सारी रखे हुए हैं माशाल्लाह। और तहदीस नेमत के तौर पे ये बात बताना चाहता हूं, हम तो देखते हैं कि कौन काम करने वाला है कि जिसका साथ दिया जाए माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना अपना दिया और चिराग अलहदा जलाने के बजाय अगर कोई पहले से मसलक का दीन का काम कर रहा हो जिसकी दुनिया को जरूरत हो तो फिर उसका साथ भी देना चाहिए। हमारे पास स्कोप ऑन चेंज में कल भी ये बात बयान की, फिर बयान किए देता हूं, कई लोग मौजूद नहीं थे, उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद है माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे वहां सल्फियों का जोर बढ़ गया, नौजवान हमारे भटकने लगे, राह रात से हटने लगे, वो वालिदैन जो मोहब्बत रसूल का दर्स देते थे, वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को आकल इस्लाम की मोहब्बत की तालीम दी थी, वो वालिदैन के जिनके दिल मोहब्बत रसूल में तड़पा करते थे, अपनी औलाद को राह रास्ते हटते हुए देख के रातों को नींद नहीं आती, इससे नहीं हाय हाय ये हालत हमारी वहां पे, और सिर्फ हमारे शहर में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम शहरों में यही हालत है। क्यों? इसलिए कि हम लोग हमने इल्म की खिदमत करना छोड़ दी, इल्म का रास्ता भूल गए, इल्म के फरोग के लिए हमने अपनी जानों को निसार करना छोड़ दिया, आज जवाल का शिकार है। जब मेरी मुलाकात हुई किबला हजरत जैनुल अक्ताब सिद्दीकी साहब से, मुलाकात हुई बात की सुयूती इंस्टीट्यूट
हमने इसको वहाँ पे स्टॉक ऑन ट्रेंड में मुंतकिल किया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पहले हमने अपनी मस्जिद में आगाज किया सिटी सेंट्रल मस्जिद स्टॉक ऑन ट्रेंड में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक साल पहले साल में हमारे तलबा की तादाद 72 थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा साल आया, दूसरे साल में आगाज होने से पहले हमने सियूती इंस्टीट्यूट की ब्रांच न्यू कैसल में बना दी। अल्लाह, वहां पे इस वक्त 45 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे साल का आगाज हुआ स्टॉक ऑन ट्रेंड में। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कॉलर कोर्स है 6 साल का। नए स्टूडेंट्स जो आए वो हुए 48-48। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये 2 क्लासें चल रही थी, पहले से कुछ क्लासें हजरत के पास जो चल रही थी, कई सीनियर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे शेख ईसा हेंडरसन मौजूद हैं, टीवी पे आते रहते हैं, आप सुनते हैं। ये शागिर्द हैं जैनुल अताब सिद्दीकी साहब मदर जिला उलानी के, जिनके शागिर्दों का ये हाल हो तो उस्ताद का हाल क्या होगा। हाजरीन गिरामी कद, अब वहां पे हमारे पास 96 से ज्यादा स्टूडेंट दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। और जब मैं आपको बताऊं कि कहां पे, तो आप हैरान रह जाएंगे। दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, काला काला रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के लेक्चर थिएटर में। जिस यूनिवर्सिटी में एज अ मुस्लिम चैप्टर में काम कर रहा हूं, हमने वहां पे बात की, सियूती इंस्टीट्यूट को हमने वहां शिफ्ट कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह। लेक्चर थिएटर बुक हो गए, हमारे उलमा वहां तशरीफ लाते हैं, काम हो रहा है। दूसरा साल अभी मुकम्मल नहीं होने वाला कि दूसरे साल की तकमील से पहले उलमा स्टॉक कॉन्फ्रेंस से यहाँ मौजूद है मौलाना काजी अहमद रजा साहब। माशाल्लाह। इस वक्त हमारी स्टॉक कॉन्फ्रेंस की 4 बड़ी मस्जिदें, 1 यूनिवर्सिटी और 1 हॉस्पिटल वहां पे अभी शुरू होगा। वहां पे हमारे सूती इंस्टीट्यूट के लेक्चरर उलमा वहां पे इंग्लिश में दर्स दे रहे हैं, जुमा वहां पे पढ़ा रहे हैं, और हमारी मस्जिदों में इंग्लिश खिताब करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। स्टॉक कॉन्फ्रेंस में जब हमने ये काम शुरू किया तो मैंने कहा लोगों सुनो, हमारा मिशन ये है कि एक दिन आएगा आज से 3-4 साल के बाद तुम देखना स्टॉक कॉन्फ्रेंस के हर तीसरे चौथे घर में आलमे दीन मौजूद होगा। और इंशाल्लाह अब सल्फियों को और बदअकीदा लोगों को भागने की जगह नहीं मिलती, कहां जाएंगे, उधर जाते हैं इधर जाते हैं, मुनाज़रे इस्लाम उनके पीछे। ये वो मिशन है जिसको इन्होंने जारी रखा हुआ है, और बहसीयत खादिम मैं इनके साथ, इनके जोड़ों का खादिम इनके साथ मौजूद हूँ। रब्बे कायनात हम सबको इनके फरोग की काबिशें करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और रब्बे कायनात हमें अपना एक एक पल, एक एक साथ, एक एक घड़ी अपने दीन के नाम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद है, मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम, नाए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाए सलात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम जनाब के मल्ला हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, तशरीफ लाते हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। आका हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाय अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं हाफिज सईद जलाली साहब, तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाय अकीदत पेश करें। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे पा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। आकल इस्लाम की बागा में हाजिर हो पाते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हां बिन अल्लाह के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء Thank you.
إن أولياؤه
صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्थानों में। हजरात मौजज उलमाए कराम अवाम अहले सुन्नत बुजुर्गों दोस्तों भाइयों, अल्लाह ताला ने औलिया कराम के लिए जो शर्त बयान फरमा दी वो ईमान के बाद सबसे बड़ी शर्त तकवा और परहेजगारी है। फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ये नफी माल इस्तिस्ना है। इल्मे मानी की जुबान में यहाँ हसर हो रहा है, जिसका मतलब है कि नहीं है औलिया अल्लाह के मगर वो जो तकवे और परहेजगारी से मुसय्यम हों, जो तकवे से आरास्ता हों, और तकवे के मानी अल्लाह से डरने के भी हैं और तकवे के मानी परहेजगारी इख्तियार करने के भी हैं। अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह की दी हुई उस नूरे बसीरत से कायनात के खजानों को और ज़मीन के अंदर दफन शुदा दफीनों को अपनी नज़रों से देखता है। उसे किसी मुरीद के जेब पर सहारा नहीं होता, न वो किसी का मोहताज होता है, बल्कि लोगों की मोहताजगियां दूर करने के लिए आता है और ये दर्स देने आता है कि मैं भी अल्लाह का मोहताज हूँ और तुम सब भी अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह से तलब करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता फरमाएगा। अभी मुफ्ती साहब ने पीर के लिए रहबर के लिए इतनी कड़ी शराइत बता दी, अगर पूरे यूनाइटेड किंगडम में चिराग लेकर भी तलाश करो तो कोई गालिबन ऐसा पीर नहीं मिलेगा जिसकी शराइत मुफ्ती साहब बताकर चले गए। अब सुन्नियों को तो कोई पीर चाहिए ना, वो क्या करें, मशवरा तो दे जाते कि आखिर सुन्नी पीर के बगैर रह नहीं सकता, चूंकि यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है, यूरोप की सरजमीन पर रह रहा है, कई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कई और मामलात हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू तो करता नहीं। पीर फकीर को ढूंढता है, आस्थानों को तलाश करता है और इस उम्मीद से जाता है कि काश ये मेरी मुश्किल में मेरे काम आ जाएं। और अगर मुरीद के पीर काम ना आए तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अरे इब्ने मरियम होगा तो कोई होगा। आज जिन लोगों को मसाइल और परेशानियां हैं उनका हल तो पेश करें, फिर पता पड़े कि पीर कितने पानी में है, इसकी उड़ान क्या है। कुरान ने जो पीरों की करामात और औलिया अल्लाह की करामात बयान फरमाई है वो हक है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि फजाइले औलिया भी हक हैं और करामाते औलिया भी हक हैं। देखे वली तो उसको कहा जाता है, काल या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़बल अन यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार सजा रखा था और दौरान दरबार फरमाया कि तुम में कौन है जो तख्ते बिलकीस को उसके ताबेदार होकर आने से पहले पहले बाबा उसके तख्त के मेरे सामने हाजिर कर दे। आला इफरीतुम मिनल जिन, तो एक सरकस जिन बोला अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकबीर अमीन, मैं तख्ते बिलकीस को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान ने पूछा होगा, ए जिन
ऐ सरकस जिन ये भी बता दे कितनी देर में तू तख्ते बिलकिस को लाकर पेश करेगा, क्योंकि यहाँ तवालत से इस चीज का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा कि इल्म मानी के लिहाज से कुरान की कुछ आयात में इतनाब है, कुछ में ईजाज है और कुछ आयात में मुसावात है। अगर कुरान की आयात में इतनाब किसी फायदे की वजह से होता है तो वो तो इतनाब है, और अगर बगैर फायदे के होता है तो इल्म बलागत की जुबान में उसको तदमील कहते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा होगा क्योंकि ये इजाज की आयात है, पूछा होगा कितनी देर में लाओगे। सरकस जिन बोला आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिलकिस को आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत सुलेमान की मजलिस दोपहर तक लगती थी, दोपहर के बाद खत्म हो जाती थी। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मजीद जल्दी चाहिए था, तब जल्दी चाहिए था तो आपने इधर उधर देखा होगा कि दरबारियों में कोई और भी उठे तो قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفه। तो एक साहिब इल्म उठा, एक साहिब इल्म जिसके पास तसव्वुफ का इल्म था, जो अल्लाह का वली था, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती भी था और हजरत सुलेमान का शागिर्द भी था, कहने लगा अल्लाह के नबी ये अल्लाह के पैगंबर तख्ते बिलकिस को मैं लाकर पेश करूंगा। फरमाया कितनी देर में? आपकी पलक झपकने की मुद्दत में लाकर पेश करूंगा। फलम्मा राहु मुस्ततिरन इंदहु, जब देखा कि तख्ते बिलकिस तो सामने आ गया, قال هذا من فضل ربي, फरमाया ये मेरे परवरदिगार का फजल है, यबलुअनी अअशकुरु अम अकफुर, वो मुझे आजमाना चाहता है कि मैं उसका शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। ये है औलिया की शान, ये है करामात औलिया, ये है कुरान से दलील औलिया की करामत पर, उनकी नजर की ताकत पर, उनके इख्तियार और तसर्रुफात पर, के जनाबे वाला पाक पलक झपकने में तख्ते बिलकिस को लाकर हजरत सुलेमान के सामने हाजिर कर दिया जाता है। जब बनी इसराइल के नबी के एक उम्मती के की जनाबे वाला नजर का ताकत और इख्तियार का ताकत ये है, तो खदमुल मुरसलीन हुजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, खत्म नबूवत का ताज आपके सर पर सजाया गया, सारे नबियों के कमालात से बढ़कर आपको कमालात से नवाजा गया, तो उस नबी के उम्मत के वलियों का क्या हाल होगा? उस नबी के उम्मत के वलियों का क्या हाल होगा? अभी हजरत मुराज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद उमर शर्वी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उनके साहबज़ादे हजरत पीर अब्दुल वहाब नवरल्लाहु मर्दला के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। यकीनन ये वो शख्सियात थी जिनके अंदर विलायत रच बस गई थी, अगर ये अल्लाह के वली ना होते तो मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद उमर शर्वी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हर मुनाजरे में, हर मैदान मुनाजरे में कामयाबी ना होती। ये विलायत का असर था, अल्लाह का खुसूसी करम था कि कोई मुनाजरा ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा हो। मैं आपके मुनाजरे की किताब पढ़ा था, खुद मैंने जर्मनी में रहते हुए अकीदा खत्म नबूवत पर जब किताब लिखी तो उस दौरान चूंकि वहाँ कादियानी ज्यादा है, जो पाकिस्तानियों की तादाद है उस तादाद से कादियानी तादाद में ज्यादा है, तो उस वक्त मुझे किताब लिखने की जरूरत महसूस हुई। तो हजरत मुनाजरे अहले सुन्नत की किताब जो मिक्यास नबूवत है, बड़ी जखीम किताब है, जब उसको मैंने पढ़ा तो दिल के दरीचे खुल गए। सुभान अल्लाह, क्या मोती बिखेर रखे हैं, क्या मोती बिखेर रखे हैं। और फिर जो उनकी मिक्यास मुनाजरा है उस पर वाकया पड़ा कि हमारे शहर कराची में हजरत मुनाजिर इस्लाम तशरीफ लाए थे और उनके साथ उनके छोटे साहबजादे हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद थे। तो जहाँ कराची के अंदर आरामबाग की मस्जिद अहले सुन्नत के वहाँ का क़याम था, और जब जाने का वक्त करीब आया कि आप वापस पंजाब आ रहे थे, तो उस वक़्त अहले हदीस वहाबियों ने आपको मुनाजरे का चैलेंज दे दिया, आपने चैलेंज कबूल कर लिया, और एक तारीख मुकर्ररा पर जब मुनाजरा हुआ और मुनाजरा शुरू हुआ तो आपके किसी मुरीद ने आकर इत्तला दी, हुजूर
इन लोगों ने पत्थरों से भरे भरे हुए ट्रक दो मंगा लिए हैं और ये पथरावन करीब करवाने वाले हैं। चूंकि वो मुनाजरे में तो जीत नहीं सकते थे तो उनका आखिरी हथकंडा यही हुआ करता था कि मुनाजरे की कार्रवाई को सबोताज कर दो ताकि लोगों पर हकीकत वाजे ना हो सके। तो पथराव शुरू हो गए तो हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब मुनाजरे अहले सुन्नत के साथ थे, वो एक टेबल के नीचे उन्हें छुपाया, फिर भी टेबल को पकड़ रखा था तो एक पत्थर आपकी उंगली पर लगा और वो उंगली आपकी जख्मी हो गई। उस मुनाजरे के दौरान उंगली जख्मी हो गई। मौजूदा सामईन, मुनाजरा होता किस लिए है? होता किस लिए है? मुनाजरे की डेफिनेशन लोग नहीं पढ़ते। यतवज्जहुल मुतखासिबैन फिन निस्बति बैन अश्शयैन इज़हारन लिसवाबी। अरे फरीकैन को जब हक मिल जाए और उनके सामने हक वाजे हो जाए तो बरबला ऐलान कर देना चाहिए कि हमें हक हासिल हो गया। अगर कोई शिकस्त खा रहा है वो अपनी दुनियावी शिकस्त को ना देखे बल्कि आखिरत को पेश नजर रखे, क्योंकि कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अरे अपना 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 चेहरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो मौज़ा सामाई, आज हम जाली पीरों के पीछे फिर रहे हैं। जब तक कोई अच्छा पीर नहीं मिलता आप खुद कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें, खुद सूरह मुल्क पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, नमाज हाजात पढ़े, नमाज तहज्जुद पढ़े, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें तो अल्लाह सुबहानहु व तआला से फिर एक सच्चा और कामिल पीर भी तलब करते रहे, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा। अरे दुआ के दरवाजे बंद नहीं हुए। वैदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब हबीब। जब लोग उससे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि मैं कहाँ हूँ तो बता दें मैं बहुत करीब हूँ। उजीब दावत दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार पर लब्बे कहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला